गुड मॉर्निंग क्लास, हमारे फर्स्ट यूनिट टेस्ट के बाद का ये हमारी पहली क्लास है। इस क्लास में हम चैप्टर 6 को पढ़ रहे हैं, विज्ञानस्य महत्वम, विज्ञान का महत्व क्या है इसके बारे में जान रहे हैं। इसके पहले चैप्टर 5 हम लोग पढ़ चुके हैं, जो आपका एग्ज़ाम जिस बेसिस पे हो रहा है वो 1 to 5 के बेसिस पे हो रहा है, वो हम लोग पढ़ चुके हैं और उसी का एग्ज़ाम आप दे रहे हैं। आज से हम लोग जो है अपने नए चैप्टर को आगे बढ़ा रहे हैं। ये नया चैप्टर चैप्टर 6 विज्ञान का महत्व है, तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। आप सभी को पता है कि विज्ञान का महत्व कितना है। आज का युग जो हमारा है वो वैज्ञानिक युग है। इस युग में जितनी भी सारी चीज़ें हम यूज करते हैं, जितनी सारी चीज़ें हमारे घरों में यूज होती हैं, उसका निर्माण किसी न किसी वैज्ञानिक के द्वारा किया गया रहता है। तो वर्तमान युग जो हमारा है ये क्या है, ये वैज्ञानिक युग है। इसलिए हम यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं और आप ध्यान से सुनिएगा, मेरी वॉइस को अच्छे से सुनिएगा। इस पूरे चैप्टर को जितना मैं पढ़ाऊँगी उसे ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, और जैसे ही ये चैप्टर पूरी तरीके से फिनिश होता है आप उसको रोक के उसके बाद से आप अपनी बुक को खोलिए, उसमें आप देखिए कि मैंने आपको क्या पढ़ाया है, क्या बताया है, ये सारी चीज़ें जानिए और फिर जो करने के लिए कहा गया है उसे कीजिए। तो इस चैप्टर में हम विज्ञान के बारे में बताएंगे कि वैज्ञानिक युग में हमारे वैज्ञानिकों ने हमें क्या क्या चीज़ दिए हैं। वर्तमान युग वैज्ञानिक युग गणित है। आज के युग को यानी वर्तमान युग को हम लोग जो है वैज्ञानिक युग के रूप में गणना करते हैं। विज्ञान विज्ञानम जीवनस्य प्रत्येक पक्षम प्रभावयति। विज्ञान हमारे जीवन के हर पक्ष में प्रभावित कर रहा है। विज्ञानेन यातायात साधनेन नवीन आविष्कारे सर्वे अपिदेश समीपस्था कृता। विज्ञान के द्वारा हम लोग अनेक प्रकार के यातायात से लेकर के अनेक नवीन साधनों का आविष्कार हुआ है जो हमारे देश में उपस्थित है और हम लोग उसका यूज कर रहे हैं। तद्दत्था यदि वयम गृहात् अल्प दूरम अपि गच्छन्तु इच्छाम तर्हि द्विचक्र क्रिया च गच्छाम। यदि हमको अपने घर से कुछ दूरी जाने का मन होता है तो हम किसके द्वारा जाते हैं, हम साइकिल के द्वारा जाते हैं या बाइक के द्वारा जाते हैं, हम पैदल नहीं जाना चाहते। तो ये बाइक और साइकिल कैसे बना, इसको बनाने वाला कोई ना कोई वैज्ञानिक है जिन्होंने हमें समर्पित किया, अपना इतना ही दिमाग यूज़ किया और इसको बना करके हमें समर्पित किया। सुदूरगमने मित्रण यंत्रेण गंतुम पारयाम, कह रहे हैं और दूर जाने के लिए हम लोग और जो है मोटर यान का यूज करते हैं, जैसे बस, कार, थ्री व्हीलर, जो आपका ऑटो रिक्शा हुआ, जीप हुआ, ट्रेन हुआ, इन सब चीज़ों की। अथ च ग्रामांतरेषु नगरांतरेषु च गमने वयम वाष्पयानेन समर्था भवाम, कह रहे हैं कि और कई जगहों पे जाने के लिए जैसे ग्रामांतरेषु गांव के बाहर, नगर के बाहर या गांव के अंदर, नगर के अंदर च गमने जाने के लिए वयम वाष्पयानेन यानी जलयान से हम लोग जाते हैं। ये जना स्वल्पेन कालेन दूरस्थानम विदेशम व गंतुम इच्छन्ति वायुयानेन आकाश मार्गेण अभिष्ट स्थानम प्राप्नुवन्ति। और जिसको बहुत दूर जाना रहता है, जैसे जो विदेश जाने की इच्छा रखता है, अब तो जो अपने एक देश में एक दूसरे एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए भी हम लोग के यहाँ प्लेन की सुविधा है, हम लोग अपने समय की बचत करते हैं और एक जगह से दूसरे जगह घंटों में पहुँच जाते हैं। तो उसके लिए क्या है, हम वायुयान यानी हवाई जहाज से हम लोग ये प्लेन से चले जाते हैं। विदेशे सुगमनाय वाष्पपोता गंभीरस्य मुद्रस्य यात्रा कृत्वा सुखेन जनान विदेशम प्राप्यन्ति, कह रहे हैं विदेश में जाकर लोग जब वाष्पयान यानी जो आपका स्टीमर होता है या शिप होता है, पानी की जहाज जो होती है, उससे यात्रा करके लोग बहुत ही आनंद का अनुभूति करते हैं, बहुत सुख प्राप्त करते हैं। ये सारी चीज़ें जो हम बता रहे हैं आपको, जो जो यान जो जो चलने के लिए मोटर बाइक, बाइक, साइकिल, जल यान या फिर आपका जो है हवाई जहाज़ या फिर आपका शिप यानी पानी वाले जहाज,
आज या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे हम एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, जिसको हम यूज़ करते हैं, वो किसी न किसी वैज्ञानिक के द्वारा बनाई गई है, ना कि हमने स्वयं बनाया। और हमें आप में से ही कोई एक जो है बहुत अच्छा पढ़ लिख करके आगे जा करके वैज्ञानिक होता है, जो रिसर्च करता है, उस पर जानकारी हासिल करता है और बनाता है, जिसके द्वारा हम लोग इसे यूज़ करते हैं। तो आज का युग जो है हमारा वो क्या है, वैज्ञानिक युग है। कह रहे आदत्य भयम गृह उपविष्टा एवं दूरभाषण यंत्र स्वदेशे विदेशे वा स्थिति केनापि जनेन सहवार्ता कर तुम सकूम। हम लोग जब अपने घर में रहते हैं, घर में ही बैठ करके, आज का हमारा युग कैसा, अभी तो हम लोग दूरभाष यानी कि फ़ोन, टेलीफोन जो हुआ करता था लैंडलाइन, आज तो हमारे पास मोबाइल फ़ोन है, आज जिससे हम सेकंड भर में ही तुरंत डायल करते हैं और तुरंत तुरंत दूर बैठे हुए लोगों से हम फटाफट बात कर लेते हैं और उनके हालचाल को जान लेते हैं। वरना पहले का एक समय था जब लोग जो है एक दूसरे को जानने के लिए, उनका हालचाल जानने के लिए पहले लेटर लिखा करते थे, पत्र लिखा करते थे, उस पत्र को पोस्ट किया जाता था, डाकिया द्वारा वो एक जगह से दूसरे जगह निकाल करके उसको पहुँचाया जाता था, फिर वो उस शहर शहर गाँव गाँव जा करके बांटा करता था, तो उसमें जो है अधिक समय लगता था और आज की तरह की कोई सुविधा नहीं थी। तो आज का युग जो है इसी कारण वैज्ञानिक युग है कि हर काम हम लोग तुरंत के तुरंत कर लेते हैं। टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, इन सब के माध्यम से, फैक्स के माध्यम से, मेल के माध्यम से हम लोग तुरंत तुरंत अपना एक दूसरे के पास अपनी रिपोर्ट कर सकते हैं, एक दूसरे की रिपोर्ट को जान सकते हैं। एवं आकाशवाणी यंत्र प्रतिदिन समाचारान, संगीतान, भाषणान, क्रीड़ा क्षेत्र से समाचारान च श्रृणुण, पाठ्यक्रम से सहायकान, पाठान च पठाम। आजकल क्या है, आकाशवाणी केंद्र से प्रतिदिन हम समाचार सुनते हैं, संगीत सुनते हैं, भाषण देखते हैं, क्रीड़ा क्षेत्र समाचार इत्यादि सब कुछ सुनते हैं और पाठ्यक्रम के बारे में हमारे सहायक होती है, हम लोग पढ़ने पढ़ाने का काम भी करते हैं। आज यदि टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं की गई होती तो आज के इस कोरोना काल में हम आपसे ऑनलाइन कनेक्ट नहीं हो पाते, हम आपको क्लास नहीं करा पाते और आप पढ़ नहीं पाते, तो आप पूरी तरीके से रिजर्व होकर अपने घरों में रह जाते और ना ही मैं आपसे, आप तक कोई मैसेज कर पाती, ना ही कोई आप मेरे तक मैसेज कर पाते। तो ये सब क्या है, ये टेक्नोलॉजी का जमाना है, वैज्ञानिक युग ही तो है। ऊपरी उक्तेभ्य अपि अधिकम सुरुचिकम दूरदर्शनम यंत्रम वर्तते। कह रहा है ऊपर उक्तेभ्य, जितने भी ये बातें कही गई हैं यह सभी जो है बहुत ही रुचिकर, मतलब अच्छी बातें हैं। क्यों? क्योंकि आज का युग जो है वैज्ञानिक युग है। दूरदर्शन यंत्र वर्तते, कह रहे हैं ऊपर उक्तेभ्य अपि अधिकतम सुरुचिकम दूरदर्शन यंत्र, दूरदर्शन यंत्र जो है बहुत ही अच्छा यंत्र माना जाता है। असी यंत्र से सहायन दूरदर्शन केंद्रात प्रेषित चित्राणि अस्माकं मनोरंजन कुर्वन्ती। हम लोग टेलीविजन के माध्यम से, लैपटॉप कंप्यूटर के माध्यम से बहुत सारे पिक्चर, सीरियल या न्यूज़ फेस टू फेस देखते हैं उसमें और हम लोग आनंद की अनुभूति करते हैं। दूरदर्शन यंत्र आकाशवाणी यंत्र च भूमिस्थ जन चंद्रतलम गतस्य अपोलो यानस्य क्षेत्राणि द्रष्टुम ध्वनि च श्रोतुम सकता। भवन कह रहा है दूरदर्शन के माध्यम से ही हम लोग जो है चंद्रमा, सूर्य को भी बायोस्कोप के द्वारा देख लेते हैं। ये सब क्या है, दूरदर्शन के माध्यम से हम लोग आकाशवाणी या भूमिस्थ में, भूमि में क्या क्या चीज़ें हो रही है, ये सारी चीज़ों की जानकारी मिलती है तथा चंद्रमा तक की चीज़ों को हम लोग यंत्रों के माध्यम से देख सकते हैं अच्छे से कि क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है। आज के लोग मंगल ग्रह अवतरित वाइकिंग यंत्रेण प्रेषीन वर्तवृत्तान चित्रण तो ज्ञातु समर्था बन। और आज ही के युग तो ऐसा है जिसपे हम लोग मंगल ग्रह तक भी पहुँच जा रहे हैं वाइकिंग ग्रह के, और जो है यंत्रों के माध्यम से हम लोग ये सारे क्रियाकलाप को कर सकते हैं, जान सकते हैं कि हम लोगों के देश विदेश में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ये सारी चीज़ें हम लोग वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से ही तो जानते हैं। हमारे घरों में फैन चलते हैं, रेफ्रिजरेटर चलते हैं, टेलीविज़न चलते हैं, आज के घर में लाइट चली जाती है तो हम लोग इन्वर्टर का यूज़ करते हैं या जनरेटर का यूज़ करते हैं, फिर हम लोग क्या बोलते हैं कि मोबाइल फ़ोन और इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीज़ें हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं वैज्ञानिकों ने ही हमें दी है, हम लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। घर के 100% में 90% की चीज़ें तो हमारे विद्युत उपकरण से ही चलने वाली वैज्ञानिक चीज़ें हैं, जैसे टेलीविज़न हो गया, लैपटॉप हो गया, आपका
मोबाइल फ़ोन हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, बिजली के चूल्हे हो गए, ये सारी चीज़ें तो हम लोग को वैज्ञानिकों ने ही सुपुर्द करी है। कैलकुलेटर हो गया जिससे हम लोग तुरंत तुरंत अपने यंत्रों के मतलब अपने कोई भी चीज़ को काउंट कर सकते हैं, रुपए की काउंटिंग कर सकते हैं या किसी भी अंकों की काउंटिंग कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो है हम लोग इन सब के माध्यम से ही करते हैं। अधुना तु लास्ट पैरा हमारा ये है कि अधुना तु नाना राग रंजितान चित्राणि अपि दूरदर्शन पटे द्रष्टुं शक्यते। आज के समय में हम लोग जो है अनेक प्रकार के चित्र को दूरदर्शन के पट पे देखते हैं। एवं विद्युत व्यजनम विद्युत उपकरणम, विद्युत व्यजनम यानी पंखे, विद्युत उपकरण विद्युत चूल्हे का बिजली वाले चूल्हे, विद्युत शीतल मुद्रा यंत्र, कह रहे हैं मुद्रा यंत्र यानी जो कैलकुलेटर होता है, शीत ताप जैसे आपका फीवर चेक करने वाला यंत्र जो होता है, अनेकानि बहुविधानि यंत्राणि अस्माकं महादूत कुर्वन्ति, हम लोग इन सब बहुत सारे चीज़ों का उपयोग करते हैं। रडार नामान अपि यंत्रम शत्रु विमाना नामग्नम सूचयति, कह रहे हैं कि रडार नामक यंत्र जो है वह शत्रु के विमान के आगमन की भी सूचना हमें दे देता है, ऐसा वैज्ञानिक युग है ये हमारा। तथा च संगणक यंत्रम आसुरेव रुपयाधिकारणाम संगणनम निर्दिष्ट, संगणक यंत्र यदि कंप्यूटर के माध्यम से हम लोग बहुत बहुत सारे रुपयों की भी काउंटिंग कर लेते हैं या हमारे रुपये पैसे की काउंटिंग में सहायक होते हैं और सारा डाटा हम लोग उसके थ्रू सेव भी कर लेते हैं। एवं विज्ञानस्य महानतम उपकारा सन्ति, वैज्ञानिकों का हमारे ऊपर महान उपकार ही तो है। धन्य है वो नवीन वैज्ञानिक वस्तु नाम आविष्कार करता, कह रहे हैं जो इन वस्तुओं को बनाने वाले हैं और जो आने वाले समय में इनका आविष्कार करेंगे या इससे भी अधिक अच्छी चीज़ों का आविष्कार करेंगे वह वैज्ञानिक धन्य है। यहाँ पर जो है हमारा ये चैप्टर 6 समाप्त हो गया, इसका पैराग्राफ पूरा कंप्लीट समाप्त हो गया। सभी के पास बुक होगी, सारे लोग अपनी अपनी बुक से इस चैप्टर को पूरा अच्छे से देख के पढ़िएगा, बुक रीडिंग ज़रूर कीजिएगा क्योंकि बुक रीडिंग किए बिना आपको कुछ आएगा नहीं, ये तो हम पहले ही बता दिए हैं आपको। और जो है हम इसको एक बार वापस से आपको इसलिए दिखा दे रहे हैं कि बोलते समय या हम जब आपको एक्सप्लेन करते हैं तो ब्लर कर जाता है या हिल जाता है जिससे आप देख नहीं पाते हैं सही से, पर मेरी वॉइस आप तक तो पहुँच गई होगी और आप जो है उसके बाद उसको सुन करके अपने बुक से पढ़ सकते हैं क्योंकि आप तो एग्ज़ाम भी हो चुके हैं, बुक सभी के पास होंगे। वर्ड मीनिंग को जैसे आप बुक से लर्न करते हैं वैसे ही बुक से ही लर्न करेंगे और बाकी जो एक्सरसाइज आपका है उन सारे एक्सरसाइज का पीडीएफ जो है आप तक भेजा जाएगा। मैं एक बार आपको बता दूं, रिटेन वर्क में यहाँ पे क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग संस्कृत के वाक्यों में कीजिए, जैसे यहाँ पे दूरभाष दूरदर्शन संगणक इन तीन यंत्रों का प्रयोग करना है और ये तीन वर्ड से ही सेंटेंस बनाना है जो हम आपको पीडीएफ के थ्रू भेज देंगे। फिर नेक्स्ट आपका है कि कोष्ठक के शब्दों द्वारा अशुद्ध वाक्य को शुद्ध कीजिए, ये सारे क्वेश्चन या फिर संस्कृत में अनुवाद कीजिए जो इम्पोर्टेंट इसमें होगा वो। फिर आपका ये है कि पुस्तक से उचित शब्दों को छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जैसे यहाँ पे ब्रैकेट बनाया हुआ है और इन ब्रैकेट में जो है वर्ड्स दिए हुए हैं, इन वर्ड्स के हिसाब से हम लोग को इसमें फिल करना है, जो आपको दिखाई दे रहा है आप देख लीजिए इसको फिल कर लीजिएगा, फिल करने वाला तो आप कर सकते हैं, तो इसे आप जो है अपनी बुक में फिल कीजिएगा। बाकी जो भी चीज़ें इस चैप्टर से होंगी वो चैप्टर में जो भी आपको इस एक्सरसाइज के थ्रू करना होगा या इस एक्सरसाइज से जो भी आपको करना है कॉपी में उन सभी का पीडीएफ आप तक जाएगा। कुल मिला के हमारे कहने का सिर्फ एक ही मतलब है कि आपको मैंने एक्सप्लेन करा दिया है, एक्सरसाइज के बारे में बता दिया है, ये फिलिंग द ब्लैंक्स आप कर सकते हैं क्योंकि ये अभी अभी आप देख पा रहे हैं, और जो आप नहीं कर पा रहे हैं वो जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड आपको करना है कॉपी में वो सारी चीज़ें पीडीएफ के थ्रू आप तक जाएगी और आप उसे अपनी कॉपी में अच्छे से करिएगा। कॉपी को नीट एंड क्लीन बना करके रखिएगा, साफ़ सुथरी रखेंगे तो आपको ही पढ़ने में आसानी होगी और आपका पढ़ने में भी मन लगेगा। तो ये कुल मिला के हमारा ये चैप्टर यहाँ समाप्त हो गया, नेक्स्ट चैप्टर को लेकर के हम अगली क्लास में फिर से आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।